हेलो एवरीवन वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस सो इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी री सो मोबाइल कंप्यूटिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ को हम देख रहे हैं और फ्रीक्वेंसी री का टॉपिक है ये अब फ्रीक्वेंसी देखो री है क्या अब हमें इतना पता है कि जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उसको हम सेम फ्रिक्वेंसी नहीं प्रोवाइड करते जैसे कि अगर मेरे पास एक सेल है ये एंड कुछ इस तरह से हमारा जो नेटवर्क होता है सेलुलर नेटवर्क वो होता है सेल्स के अंदर डिवाइडेड होता है पूरा कवरेज एरिया तो हम क्या करते हैं एडजेसेंट सेल्स को सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं देते मतलब अगर इसको फ्रीक्वेंसी मैंने एफ़ वन दे रखी है तो मैं इसको और इसको एफ वन नहीं दे सकता इसको एफ वन दे सकता हूँ ऐसे इसको फिर मैं दूंगा कुछ और एफ टू दूंगा अब इस वाले को ना एफ़ वन दे दूंगा दे सकता क्योंकि इससे एडजेसेंट हो जाएगी ना एफ़ टू दे सकता है क्योंकि इससे एडजेसेंट हो जाएगी तो हम एफ थ्री देंगे तो एक बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया में पूरी कवरेज करने के लिए हमें फ्रिक्वेंसी को किसी तरह से तो रीयूज करना है फ्रीक्वेंसी को री करना है सो फ्रीक्वेंसी रीयूज इज नथिंग बट इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ री यूजिंग ए सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज सो इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ री यूजिंग ए सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज अब री करके होता क्या है फायदा क्या है री करने का फ़ायदा यही है कि इट इनेबल्स टू एक्सपेंड द टोटल सिस्टम कैपेसिटी विदाउट नीड टू एम्प्लॉय एम्प्लॉय हाई पावर एंटीना मतलब कि ज़्यादा पावर के एंटीना को लगाए बिना भी हम अपने पूरे सिस्टम की कैपेसिटी कम्युनिकेशन कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज अगेन एंड अगेन सो बेसिकली दो डिफरेंट टाइप्स की फ्रिक्वेंसीज री के कॉन्सेप्ट हैं सो वी हैव टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसी री यूज़ कॉन्सेप्ट एक तो है हमारे पास फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी रीयूज़ सो वन इज़ फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी रीयूज़ एंड द सेकेंड इज डाइनमिक फ्रीक्वेंसी रीयूज़ सेकेंड इज़ डायनेमिक फ्रिक्वेंसी रीयूज़ सो लेटेस्ट स्टडी इन डिटेल कि ये दोनों होते क्या इनका मतलब क्या है सो फ़िक्स्ड फ्रिक्वेंसी रीयूज़ में क्या होगा एक चैनल एक सेल को प्री प्री डिटरमाइंड सेल प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज या प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ चैनल्स एलोकेट होंगे ठीक है सो सपोज एक मेरे पास सेल है ये अब इस सेल को लेट अस से दिस इज सेल नंबर वन इस सेल को कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ चैनल्स एलोकेटेड है सो so, मैं लिख देता हूँ प्री डिफाइंड सेट ऑफ चैनल्स आर एलोकेटेड। अगर ये सारे चैनल्स यूज हो रहे हैं इफ़ ऑल ऑफ दिस चैनल्स आर इन यूज देन नो अदर सर्विस और नो अदर कॉल कैन बी प्लेस्ड अगर ये सारे के सारे चैनल्स यूज में हैं जो प्री डिफाइंड सेट ऑफ चैनल्स हैं अगर ये सारे के सारे यूज में हैं तो कोई नई सर्विस या कोई नई कॉल आपकी प्लेस नहीं हो सकती ठीक है अब इस केस में क्या होगा इस केस में यह होता है कि यह जो चैनल है या ये जो सेल है यह अपने नेबरिंग सेल से कुछ सेट ऑफ चैनल्स को उधार पर लेता है ओके okay? सो so, कुछ सेट ऑफ चैनल्स को यह अपने नेबरिंग सेल से उधार पर लेता है और इस चीज को बोला जाता है फ्रिक्वेंसी बोरोइंग फ्रिक्वेंसी को बोरो किया दैट इज फ्रिक्वेंसी बोरोइंग ओके सो दिस इज नथिंग बट इसमें यह है कि सेल्स कैन बोरो चैनल्स फ्रॉम अनदर सेल सो सेल्स कैन बोरो चैनल्स फ्रॉम अनदर सेल ओके तो यह तो एक टर्म हो गई फ्रीक्वेंसी बोरिंग जो कि आपकी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रीयूज के कॉन्सेप्ट के अंदर आती है देन द सेकंड इज डायनामिक फ्रिक्वेंसी रीयूज अब इसमें क्या होता है कि इसमें प्री डिफाइंड सेट ऑफ चैनल्स नहीं प्रोवाइड किए जाते सो प्री डिफाइंड सेट ऑफ चैनल्स नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पे अब होता है क्या है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो फ्रिक्वेंसी बैंड को डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट सेल बोरो करता है या फिर सेल डिमांड करता है फ्रॉम एम ओके सो इफ देर इज अ सेल सो so, ये सेल क्या करेगा एम से ऑन डिमांड ऑन डिमांड फ्रिक्वेंसी के बैंड्स को रिक्वेस्ट करेगा सो फ्रिक्वेंसी बैंड्स आर रिक्वेस्टेड ऑन और एज पर डिमांड सो फ्रिक्वेंसी बैंड्स आर रिक्वेस्टेड एज पर डिमांड और एम जितनी एक सेल की डिमांड है उसके हिसाब से उसको फ्रिक्वेंसी को एलोकेट कर देगा सो दैट इज डायनेमिक फ्रीक्वेंसी रीयूज तो दो टर्म्स हो गई फिक्स फ्रीक्वेंसी रीयूज और डायनेमिक फ्रीक्वेंसी रीयूज नाउ इन दिस देर इज वन कॉन्सेप्ट कि कैसे हम फ्रिक्वेंसी रीयूज का फैक्टर कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्टली इसका एक फॉर्मूला है सो इफ एन इज द फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर एन आपका फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर है ओके okay? एन इज़ द फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द सेल जबकि जो स्मॉल डी है वो क्या है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एडजशन सेल्स मतलब कि अगर ये मेरा एक सेल है एंड दिस इज अनदर सेल तो अगर ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ये है स्मॉल डी ठीक है एंड डी मिनिमम इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सेल्स दैट यूज सेम फ्रिक्वेंसी ठीक है इतना डिस्टेंस होना चाहिए तब जा कर के दो सेल्स सेम फ्रिक्वेंसी को यूज़ कर सकते हैं एंड एस इज नथिंग बट इट इज द टोटल नंबर ऑफ एलोकेटेड चैनल्स तो फॉर अ हेक्सागनल सेल पैटर्न अब हेक्सागनल ही हम यूज करें तो हम हैक्सागनल का ही कहेंगे सो फॉर अ हेक्सागनल सेल पैटर्न यू कैन नोट इट डाउन दिस फॉर्मूला अगर एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन हुआ तो मेरिकल आप सॉल्व कर सकोगे कितना होना चाहिए न डी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू रूट थ्री आर ओके दैट इज इक्वल्स टू रूट थ्री आर डी क्या ये वाली चीज आर कै रेडियस ऑफ द सेल तो ये कितना होता है इसके बराबर होता है तो जो डी मिनिमम आएगा दिस डी मिनिमम जो डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए दो सेल के बीच में ताकि फ्रिक्वेंसी को री कर सकें दैट इज रूट थ्री नाउ एन जो कि आपका री फैक्टर है मल्टीप्लाइड बाई आर ओके तो इतना डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में तब वो सेम सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज को यूज कर सकते हैं तब वो सेम सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज को यूज़ कर सकते हैं ओके सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट यू कैन नोट इट डाउन सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर जिसमें हमने देखा थोड़ा सा बेसिक आइडिया ऑफ फ्रिक्वेंसी रीयूज एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट इंटरफेरेंस कितने टाइप की इंटरफेरेंस होती है एंड ऑल सो इफ़ यू आपको तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो जो कि लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो थैंक यू